विद्यार्थी हो RCI एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में आंकिक प्रश्न पर अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे दो आंकिक प्रश्न हैं, हमको उनको सोल्व करना है। देखिए किस तरह से हमारा पहला आंकिक प्रश्न है, हाइड्रोजन सदृश कोई आयन n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण करते समय 2.467 गुणा 10^7 हर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करता है तो संक्रमण n बराबर 3 से n बराबर 1 में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। यानी इसमें हमें क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है, हमें दिया है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षाओं का जो संख्या का मान दे रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में आता है उस समय उस जो उसकी आवृत्ति है उस आवृत्ति का मान दे रखा है। और फिर किसने कह रहा है कि जब वो n बराबर 3 से n बराबर 1 में आता है उस समय उसे की आवृत्ति क्या होगी, हमें उसे इलेक्ट्रॉन की जो है हमें आवृत्ति जो है ज्ञात करनी है, तो हमें उस विकिरण की आवृत्ति ज्ञात करनी है। देखो हम किस तरह से आवृत्ति ज्ञात करेंगे विकिरण की, तो देखो हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है विकिरण की, हमें आवृत्ति का मान दे रखा है तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि जो विकिरण होता है ऊर्जा के रूप में उस विकिरण का जो तरंग धैर्य होता है भाई, जो तरंग धैर्य होता है उसका सूत्र होता है 1λ = r(n)(1)(n)^2 - 1/n)^2। ये भाई 1λ का सूत्र होता है, जहाँ लैम्बडा तरंग धैर्य है और जहाँ पे जो r है, यहाँ पे r नियतांक है, आर कहते हैं रीडबर्ग नियतांक। देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई n बराबर 2 से 1 में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो n1 का जो मान है वो 1 हो गया और भाई n2 का मान हो गया 2। अपन दोनों मान यहाँ रख देंगे, तो जब दोनों के मान अपन यहाँ रखते हैं, n का मान रखते हैं और n2 का मान रखते हैं, तो आ जाएगा 1λ = r(n)^2 देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का हो जाएगा 4। इस तरह से 4 1 का लेस है लघुतम लेंगे 4 आ जाएगा, तो 1λ = r(n)^2 तो 4 इसका लेस आ गया, तो यहाँ 4 - 1 हो गया। अब देखो 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बचेगा, तो 1λ = r(3/4। ठीक है भाई, अब देखो हमें तो आवृत्ति का मान दिया हुआ है पहली कंडीशन में, तो अपन देखो जानते हैं νc, देखो νc बराबर क्या होता है 1λ, ध्यान रखेंगे ये संबंध होता है आवर्ती में प्रकाश वेग में लैम्बडा के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये आ जाएगा νc = 3r/4। आप पहली जो कि पहली अवस्था है हम इसमें न्यू वन मान लेंगे और सी प्रकाश का वेग जो है नियत रहेगा, माना कि ये नंबर एक समीकरण हमारा, ठीक है भाई नंबर एक समीकरण। आप देखो आगे क्या है कि जब वह संक्रमण n बराबर 3 से n बराबर 1 में आता है उस समय क्या हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो देखिए n बराबर 3 से का मतलब क्या हुआ, इसमें वही n का मान 1 हो गया और इसमें n2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वही सेम यहाँ बनाएंगे समीकरण इसका, तो हमारा पहला था हमारा ये हमारा था पहला समीकरण। अब देखो आगे दूसरा बन जाएगा, ऐसे वही सेम 1λ = और r(n)^2 देखो 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है भाई, 1 और 9 का लेस लेंगे लघुतम जो कि 9 आ जाएगा, और देखो आगे क्या होगा इसके अंदर, अब आगे इसका लेंगे लेस लघुतम तो ये आ जाएगा
वन अपॉन लैम्डा बराबर आर इंटू, इसका लघुत्तम नौ आ जाएगा, यहाँ जाएगा नौ माइनस एक, तो वन अपॉन लैम्डा बराबर आठ आर बटे नौ। अब वही बात यहाँ है सेम कि भाई वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल क्या होता है, न्यू अपॉन सी, ठीक है भाई, यहाँ जाएगा न्यू अपॉन सी। इसमें अब आवर्ति इसमें न्यू टू हो जाएगा क्योंकि दूसरी कंडीशन है भाई, पहली जो कंडीशन थी प्रारंभिक अवस्था में हमने आवर्ती न्यू वन मान लिया था, अब दूसरी में आवर्ती क्या हो जाएगी, न्यू टू हो जाएगी। तो न्यू टू अपॉन सी बराबर आठ आर अपॉन नौ, माना कि ये नंबर हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखो हमें तो न्यू टू का मान ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू वन का मान दिया हुआ है, न्यू वन आवर्ती है, इसका मान दिया है 2.467 गुणा 10 की पावर 7 हर्ट्ज, हमें न्यूटन का मान दिया हुआ है और हमें न्यूटन का मान ज्ञात करना है। क्या करें इसके लिए, देखो हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि समीकरण एक के अंदर हम दो का भाग लगा दें, तो इसमें जो कटेगा जो मान कट जाएगा, सी कट जाएगा, आर कट जाएगा, और यहाँ से हमें न्यूटन का जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अपन समीकरण देखो एक में दो का भाग लगाते हैं, तो आगे लिखेंगे समीकरण एक में जो है दो का भाग लगाने पर, तो भाई एक में दो का भाग लगाते हैं, तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, तो भाई देखो एक में दो भाग लगाओ तो इधर हो जाएगा न्यून अपॉन सी और न्यूट अपॉन सी, ये हो जाएगा तीन आर अपॉन चार अपॉन आठ आर बटे नौ। भाई देखो यहाँ सी सी कट जाएगा और यहाँ पे आर भी कट जाएगा, तो नौ जाएगा ऊपर, देखो चार संख्या ऊपर नीचे हो गई, तो जो पहली संख्या है ये गुणा होगी चौथी से भाई, और जो दूसरी है ये गुणा होगी तीसरी संख्या से, देखो आर तो कट जाएगा इधर, सी भी कट जाएगा, और ये कटने के बाद यहाँ तो बचेगा न्यू वन अपॉन न्यू टू, और यहाँ बचेगा नौ तीय सत्ताईस आठ सौ बत्तीस, ठीक है भाई। हमें मान चाहिए किसका, न्यू टू का, क्योंकि न्यू वन का मान दिया हुआ है, इनको आपस में गुणा कर लो, दिया जाएगा न्यू टू इंटू सत्ताईस, और ये हो जाएगा न्यू वन इंटू बत्तीस, हमें न्यू टू का मान चाहिए, तो न्यू वन इंटू बत्तीस बटे सत्ताईस भाई। अब देखो न्यू वन का जो मान है आवर्ती का, हमें मान दिया हुआ है आवर्ती का मान, तो यहाँ पे न्यू वन का मान रख देंगे, तो न्यू टू बराबर, तो न्यू वन का मान हमें दिया हुआ है 2.467 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 32 बटे भाई 27। अब जो इसको हमें हल करना पड़ेगा, गुणा भाग करके इसको हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा 2.92 गुणा 10 की पावर 7 हर्ट्ज में इसका मान आ जाएगा, विमार्थी आवर्ती। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है, आवर्ती मान आ चुका है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लैम्डा तरंग धैर्य, हमें लैम्डा जो तरंग धैर्य ज्ञात करने, इसमें कोई हाइड्रोजन का प्रतिदर्श है और इसमें परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु अगर विकिरण का अवशोषण करता है तो हमें छह भिन्न तरंगों के तरंग धैर्य बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है, तो हमें लैम्डा का जो मान है भाई वो ज्ञात करना, हमें तरंग धैर्य का मान जो है इसमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें दे रखा है कि जो परमाणु है वो परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में है, तो यहाँ पे देखो कैसे तरह हम इसको यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो अपन जानते हैं हम जानते हैं विकिरणों के तरंग धैर्य, देखो भाई विकिरणों के तरंग धैर्य से देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है, अब तो यहाँ पे जो विकिरण है, अगर हम लोग फोटोन की बात करें, यानी विकिरणों का जो फोटोन जो होती है, विकिरणों के जो फोटोन होते हैं फोटोन की ऊर्जा मान लें, फोटोन की जो ऊर्जा है
वो ऊर्जा होती है क्या होती है, एच न्यू बराबर ई एन टू माइनस बाई ई एन वन होती है ऊर्जा फोटोन की। अब देखो ये जो समीकरण हमारा है एच न्यू बराबर ई एन टू माइनस तो ई एन वन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच न्यू बराबर ये यहाँ पे ई जो है वन अपॉन एन टू का स्क्वायर आ सकता है यहाँ पे, और ये ई वन अपॉन एन वन का स्क्वायर आ सकता है। क्योंकि देखो अब हम तो यहाँ पे ई वन ई वन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ परमाणु किस अवस्था में, मूल अवस्था में है, क्योंकि हमारा जो यहाँ परमाणु है ये वही कैसी अवस्था में, मूल ऊर्जा अवस्था में है। और देखो अपन जानते हैं कि जब परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में होता है ना भाई, उस कंडीशन में हम जानते हैं ऊर्जा E1 यानी प्रथम, देखो अपन जानते हैं कि प्रथम कक्षा में जो हमारा परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल अवस्था में होता है, परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है, इसलिए प्रथम कक्षा के लिए जो ऊर्जा है वो उसका हमारा हम जानते हैं कि E1 रन कितना होता है, माइनस 13.6 EV होता है। तो यहाँ परमाणु अपनी मूल अवस्था में है तो यहाँ E1 आएगा, यानी प्रथम कक्षा की ऊर्जा का मान आएगा E1 यहाँ पे। अब देखो एच न्यू और न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा होता है न्यू बराबर, और लैम्बडा हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर, अब इसमें हमें यहाँ पे जब लैम्बडा ज्ञात करना है, और देखो अब ई वन यहाँ पे हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आ जाएगा एन वन का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो ये जो अब क्वेश्चन में हमें एक बात कहा है कि क्वेश्चन में जब विकिरण ऊर्जा को जब ग्रहण करता है तो वह छह भिन्न तरंगों के तरंग दैर्ध्य बाहर निकालता है, ध्यान रखें। अगर आप कहीं पर आपको ऐसी संख्या दे दी जाए छह रंगों के, सात के लिए, आठ के लिए, तो यहाँ ध्यान रखें यहाँ हमें जो एन टू का जो मान होगा वो दो कम करना पड़ेगा। अगर छः के लिए मान हमें दे रखा है तो हमें एन टू का मान दो कम करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो एन वन का जो मान है ये हो जाएगा वन, और जो मान है n2 का जो मान है वो हो जाएगा 4, ठीक है। हमें इस तरह से इसका मान हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। देखो आगे तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर ई वन का मान माइनस 13.6 रख देंगे, और n2 का मान 1/4/16 हो जाएगा, माइनस 1/1 रहेगा, ठीक है भाई। एच सी बटा लैम्बडा, देखो क्वेश्चन में वैसे हमें एच सी का मान इसमें दिया हुआ अभी है, हमें देखो एच सी का मान इसमें दे रखा है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही मान दे रखा होगा। अगर मान नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एच मान अपन एच का मान सी का मान रख लेंगे, सेम बात आएगी, वही कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पे जो एच सी है अपॉन लैम्बडा, अब यहाँ देखो माइनस 13.6 सोल्व करेंगे, यहाँ 16 लघु तुम आ गए तो 1 माइनस आ जाएगा 16, ठीक है भाई। तो एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर ये यहाँ पे माइनस 13.6 गुणा माइनस 15 बचेगा बटे में 16, यहाँ तो प्लस हो जाएंगे गुणा होकर के, और ये आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर 13.6 गुणा 15 बटे हो जाएगा 16 भाई, ठीक है 16। हमें लैम्बडा का मान चाहिए तो भाई यहाँ से जो लैम्बडा का मान है इससे गुणा कर लो, 13.6 गुणा 15 बराबर 16 गुणा एच सी, हमें लैम्बडा का मान चाहिए तो 16 गुणा एच सी का मान 1242 दे रखा है ईवी के अंदर बटे में 13.6 गुणा 15 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यह देखो हम सब सोल्व करेंगे तो यहाँ लैम्बडा का मान जो 97.41 nm जो है हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इस वीडियो में, इतना ही, हमने दो क्वेश्चन सोल्व किए, दोनों के मान निकाले, आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।